फ्रेंड्स, वेलकम टू अपूस किचन। आज आप लोग को क्रिस्पी मैगी पकौड़ा बना के दिखाऊंगी। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैगी पकौड़ा बनाने के ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एक मैगी लिया, उसका मसाला टेस्ट मेकर, और ओनियन एक कट के रखा था, एक बड़ा साइज का कैरेट कट के रखा, और हरे धनिया, हरे मिर्ची दो बारीक कट के रखा, स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच मिर्ची पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, दो चम्मच बेसन, एक चम्मच रवा, तलने के लिए तेल, थोड़ा सा पानी। पहले गैस ऑन करके एक टोप बैठाया, पहले पानी बॉईल करके थोड़ा सा ही पानी ऐड करूँगी, क्योंकि मैगी ज़्यादा ये नहीं करने का इसमें। मैगी उबाल लूँगी पहले। पानी सूख गया, मैगी 80% कुक किया, क्योंकि ज़्यादा निकलने से पकौड़ा अच्छा नहीं होगा। अभी गैस बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। गैस ऑन करके कढ़ाई बैठा के ऑयल गर्म होने के लिए रख देती हूँ। ये डीप फ्राइंग है, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा ऑयल लगेगा। एक बड़ा बाउल ले लिया, इसमें जो सब्जी है, कैरेट, अनियन और कौन सा भी वेजिटेबल आप लोग ऐड कर सकते हैं हेल्दी बनाने के लिए, और थोड़ा सा मिर्ची दिया और हरे धनिया, या अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ पहले। और जो मैगी उबल के रखा था वो ऐड कर दिया और अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अभी वो जो टेस्ट मेकर मीन्स मैगी के साथ मसाला आया वो दिया। और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर हाफ चम्मच, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, सूखा मसाला के साथ पहले अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। फिर जो रवा और बेसन लिया वो ऐड करूँगी। रवा ऐड कर दिया, अभी बेसन थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाऊंगी और मिक्स करते जाऊंगी। ऐसे सारे बॉल बना के तैयार कर लेती हूँ, फिर ये डीप फ्राइंग करूंगी। ये बॉल ऑयल गर्म हो गया, अब जो मैगी का पकौड़ा बनाया वो मैं ऑयल में ऐड कर रहा हूँ। ऐसे पलट पलट के अच्छी से गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लेने का। और एक पेपर टॉवल में मैं इसको निकाल लेती हूँ। ऐसे और सारे तल के रेडी कर लेती हूँ। ऐसे पलट पलट के गोल्डन ब्राउन करके तल लेने का। गैस बंद कर देती हूँ। हल्दी में मैगी पकौड़ा बनके तैयार हो गया।
एक्स्ट्रा ऑयल शुगर लेने को लिए मैं इसमें पेपर टॉवल में रखा। एक प्लेट लेके मैं टमाटो सॉस के साथ, आप लोग कौन सा चटनी के साथ खा सकते हैं, सर्व कर लेती हूँ। क्रिस्पी मैगी पकौड़ा बनके तैयार हो गया, बहुत स्वादिष्ट है। फिर मिलेंगे एक नया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय बाय बाय।